हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद संजीव सर। मैं संजीव राठौर आप सबको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ट्रैवल कर रहा था तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला, बस चेंज की, खाली बस मिल गई तो शोरगुल नहीं है, सोचा आपको एक बात बता दूँ। CGL का जिनका भी 25 तारीख से एग्ज़ाम है उनके लिए सिंपल सा एक फंडा है, अभी तक जितना भी पढ़ा है उसके लिए CPM फंडा अपना लीजिए। अब CPM क्या है? सी फॉर कॉन्सेप्ट। एक बार सभी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, ये केवल इंग्लिश में नहीं, मैथमेटिक्स में, GK GS में जो ट्रिक्स वगैरह आप लोग पढ़ते हो, शॉर्ट ट्रिक्स, उन्हीं को कॉन्सेप्ट मान लो, उनको तैयार कर लीजिए। सी फॉर कॉन्सेप्ट। पी फॉर प्रीवियस ईयर। आपके पास कोई भी बुक हो, नई हो, पुरानी हो, किसी से मांग कर लाए हो, किसी की PDF हो, अगर वो ट्रू प्रीवियस ईयर बेस्ड है तो आप उस प्रीवियस ईयर बेस्ड को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर सॉल्व करो। आपको जिस चैप्टर में परेशानी होती है, कोई भी चैप्टर हो, इंग्लिश का, मैथ्स का, आपका जिसका भी किसी भी तरह की दिक्कत आए, तो आप क्या करो, रिवीजन कर लो प्रीवियस ईयर का। मेंस है तो अब पैटर्न चेंज हुआ है, अब आपको बाकी सब्जेक्ट भी देखने हैं, लेकिन अपनाना यही है प्रीवियस ईयर। एम फॉर मॉक टेस्ट। लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट सॉल्व करो जो आपके स्कोर में बढ़ावा लाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे। बस इतना अगर करते रहोगे तो कोई भी एग्ज़ाम है आप ईजिली क्रैक कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ नहीं होता कि आपको बहुत बड़ी दिक्कतें आएंगी। और इंग्लिश की तैयारी करनी है लास्ट टाइम पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो। मिलते हैं लाइव क्लासेस।